हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप कल एग्जाम देकर आकर मुझे बताएं कि आपको जो हमने कराया है उससे कितने परसेंट एग्जाम में आया है। तो आपको ये वीडियो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो आपको संपूर्ण देखनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि हम प्रत्येक पेपर की इसी तरीके से आपको संपूर्ण वीडियो बनाकर देंगे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारे YouTube पर आज दिन में वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए मैं रात में आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैं फिलहाल अभी रिकॉर्ड करके तुरंत ही आपको दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MA सेकेंड ईयर 2024 CCS यूनिवर्सिटी मेरठ परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसको आपको अवश्य देखना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका पेपर कोड है 470। बुक का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय प्रशासन, जो आपका पेपर कोड 470 है। तो ये वीडियो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है। एक दो बार आप पेपर देने से पहले इसको जरूर देखें, आप एक आध यूनिट को छोड़ दो लेकिन इस वीडियो को अवश्य देख कर जाओ। जब आप एग्जाम देने जाओ तो इस वीडियो को अवश्य देख के जाओ। तो इसे मैं कुछ फास्ट तरीके से कराने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी 100 क्वेश्चन को मैं करीब 30 से 40 मिनट के अंदर कवर करके इसे दूंगा आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रशासन का अर्थ है, प्रशासन का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्कर्ष रीति से शासन करना प्रशासन का अर्थ है। क्या है कि उत्कृष्ट रीति से शासन करना प्रशासन का अर्थ है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक का। क्वेश्चन नंबर दो, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में लोक प्रशासन के विषय में स्पष्ट ढंग से बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर तीन, वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का था, तो वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रीय था। क्या राजतंत्रीय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार, निम्न में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दास, दास कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है, तो नहीं पर आप अंडरलाइन कर लो ताकि क्वेश्चन आप सही से पढ़ लो। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में दास नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन थी। क्या व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो पांच का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर अवश्य इसे एक दो बार पढ़कर जाएं एग्जाम देने से पहले। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कौटिल्य के राजनीति विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं, तो कौटिल्य के राजनीतिक विचार मैकियावेली से मेल खाते हैं, किससे, मैकियावेली से मेल खाते हैं, तो सिक्स का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात, लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य है, लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक हित सिद्धि। क्या सार्वजनिक हित सिद्धि लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य है, तो सात का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ, मुगल काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो मुगल काल में आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। क्या भू राजस्व मुगल काल में आय का प्रमुख स्रोत था, तो आठ का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर नाइन, ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। क्या कुटुंब, नौ का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कुटुंब। क्वेश्चन नंबर दस, किस युग का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है, तो कांस्य युग का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है, दस का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कि कांस्य युग का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है, तो दस का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्ले विंटो एक्ट 1906। ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सभी सम्मिलित हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 में आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ये ठीक है, जबकि मार्टे मिल्टो एक्ट 1906 यह सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 एक दो बार YouTube पर सर्च करके इसको ध्यान से देख लो, या आपके पास बुक होगी 1935 को आप एक दो बार पढ़कर जरूर जाएं, इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको एक कमेंट करके हमें बताना है कि आप किस शहर में एग्जाम दे रहे हो, आप किस कॉलेज में एग्जाम दे रहे हो, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप हमें बताएं। और आप जो कल पेपर दो हमें टेलीग्राम पर उसे भेज दो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से आप मुझे DM कर देना। जो भी आप कल पेपर दे के आओ तो उसकी PDF बनाकर मुझे जरूर टेलीग्राम पर भेजना है। क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सरकार अधिनियम 1858। क्या? भारतीय सरकार अधिनियम 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मनुष्यधारी व्यवस्था का जनक माना जाता है? तो भारत में मनुष्यधारी व्यवस्था का जनक अकबर को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर को। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख अंग कौन सा था? तो ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख अंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी यानी संवैधानिक सरकार, लोक सेवाएं और केंद्रीय सचिवालय, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये रिपीट भी होता है, आप इसको अवश्य देख लें। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इस पेपर में से यानी इस वीडियो में से जो कल आपका होने वाला पेपर है, आप यकीन मानो 10 से 15 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं और 100 क्वेश्चन 30 से 40 मिनट की वीडियो होने वाली है मात्र। क्वेश्चन नंबर 19, पद सोपान प्रणाली के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? यह एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से सिले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर MP शर्मा का यह कथन है कि यह धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से सिले जाते हैं, यानी पद सोपान प्रणाली के संदर्भ में। तो ऑप्शन बी, डॉक्टर MP शर्मा का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो 23 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यह सत्य नहीं है।
तो 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति का मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति का मर्जी तक अपने को अपने यानी अपने पद पर रह सकता है, तो राज्यपाल। 25 का ऑप्शन सी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, संसदीय शासन प्रणाली के यानी संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। 27 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या सत्य नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रधानमंत्री होता है यानी भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, तो 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय सचिवालय के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधेयक पारित करना। केंद्रीय सचिवालय के बारे में यह सत्य नहीं है कि केंद्रीय पारित करना यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32, निम्न में से कैबिनेट सचिव के बारे में क्या सही नहीं है, निम्न में से कैबिनेट सचिव के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो निम्नलिखित में से वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, तो 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 34, भारत सरकार अपने व्यय संबंधित लेखों का परीक्षण किससे कराती है, तो भारत सरकार अपने व्यय संबंधित लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर कराती है, तो 34 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संघ सूची में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया, तो संघ सूची में 100 विषयों को सम्मिलित किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संघ सूची में 100 विषयों को सम्मिलित किया गया, 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को आपको कम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखना चाहिए। पेपर देने से पहले इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। इस वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से 10 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, तो 36 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 37, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है, तो शिक्षा जो विषय है वो संवर्ती सूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, यानी कितने वर्ष के लिए होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उतने वर्ष के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 40, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है किस सूची में आते हैं, तो वो संवर्ती सूची में आते हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें बना सकती हैं, वह संवर्ती सूची में आती हैं, तो 40 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं? निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी उपरोक्त सभी कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये सभी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी 41 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। तो 42 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। तो 43 का ऑप्शन सी, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है, यानी करते हैं। तो 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की परामर्श से करते हैं। 44, राज्यपाल की भूमिका होती है, तो राज्यपाल की भूमिका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी के रूप में राज्यपाल की भूमिका होती है। किसके मध्य, यानी केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी के रूप में राज्यपाल की भूमिका होती है, राज्यपाल की भूमिका केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी के रूप में होती है। 44 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 46, नौकरशाही के अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी नौकरशाही को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन सभी, यानी इनमें से सभी यानी अधिकारी शासन, लाल पिताशाही, डेस्क सरकार, ये नौकरशाही को अन्य नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मुख्यमंत्री राज्य का होता है, तो मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख राज्य का होता है, यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक प्रमुख होते हैं राज्य के। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। 49 का ऑप्शन डी, राज्य पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 50, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है। 51, राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होता है। तो 51 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 52, केंद्रीय सचिवालय में कौन सा पद नहीं है? तो केंद्रीय सचिवालय में उपमंत्री का पद नहीं है केंद्रीय सचिवालय में। 53, कार्यपालिका द्वारा शासन पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है? तो कार्यपालिका द्वारा शासन पर पदच्युति द्वारा, स्थानांतरण द्वारा और नियुक्ति द्वारा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। 53 का ऑप्शन डी, ये सभी। 54, भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है, तो बजट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बजट। क्वेश्चन नंबर 55, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी, तो आर्टिकल 73। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राजस्थान में सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था जो राज्य में लागू की गई वो है राजस्थान सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 57, पंचायती राज की आधारशिला है, पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा है,
पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा है। 58, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59, 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था क्या 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर परिषद पंचायती राज संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रुपन को भारत में नगर पालिकाओं का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रुपन को भारत में नगर पालिकाओं का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में कितने प्रकार का शहरी स्थानीय शासन है? भारत में कितने प्रकार का शहरी स्थानीय शासन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार का। कितने का? 8 प्रकार का भारत में शहरी स्थानीय शासन है, 8 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 63, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 64, नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को कमिश्नर कहते हैं। तो इसका 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमिश्नर। नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को, यानी प्रशासनिक जो मुखिया होता है नगर निगम का, वो कमिश्नर होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन सी, कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 65, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 65 का, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 66, छावनी बोर्ड का मुखिया कौन होता है? तो छावनी बोर्ड का मुखिया सेना का मुख्य अधिकारी होता है, छावनी बोर्ड का मुखिया। क्वेश्चन नंबर 67, जिला अधिकारी का कार्य नहीं है, तो जिला अधिकारी का कार्य जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करना, जिला अधिकारी का कार्य नहीं होता। तो 67 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करना जिला अधिकारी का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, नौकरशाही को डैश सरकार की संज्ञा दी, तो नौकरशाही को डैश सरकार की संज्ञा फाइनर ने दी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 68 का ऑप्शन बी, फाइनर। नौकरशाही को डैश सरकार की संज्ञा फाइनर ने दी। क्वेश्चन नंबर 69, राज्य मंत्री परिषद का सदस्य कौन निर्धारित करता है? तो राज्य मंत्री परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री निर्धारित करता है। तो 69 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 70, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 22। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो 70 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 22। क्वेश्चन नंबर 71, किस आदेश द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोक सकता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिषेध। 71 का ऑप्शन ए, प्रतिषेध। 72, किस देश में सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना की गई? तो स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल की स्थापना की गई, किस देश में? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार होता है? तो भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा होता है। क्या? न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा होता है। तो 73 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 74, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के साधन है, तो प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के कारण ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी, यानी बजट पर चर्चा, प्रश्नकाल और राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के साधन हैं। तो 74 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, प्रशासन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो प्रशासन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई। तो 75 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 76,
अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कार्नवालिस को अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो 76 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 77, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया? तो आर्टिकल 312 के तहत सिविल यानी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया, आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 78, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन यानी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी मसूरी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर 78 का ऑप्शन सी मसूरी हो जाएगा। 79, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, क्या केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई। 79 का ऑप्शन ए, 1948। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय लोक प्रशासन, क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉल एच एपलबी के आधार पर की गई। यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई? तो पॉल एच एपलबी की सिफारिश के आधार पर भारतीय लोक सेवा यानी लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की भारत में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। तो 82 का ऑप्शन बी यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। 83, पद पुरस्कार प्रणाली किस देश में प्रचलित है? पद पुरस्कार प्रणाली किस देश में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 84, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य की सेवा तथा शर्तों निर्धारित किए जाते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा तथा शर्तों निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा तथा शर्तें निर्धारित किए जाते हैं। तो 84 का ऑप्शन डी, भारतीय संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी और वीडियो आने वाले पेपर की मैं आपको संपूर्ण वीडियो देता रहूँ। और वीडियो तो मैं दूंगा ही, आप सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन आपका प्यार यदि आ रहा है तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करके जाएं। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको संपूर्ण वीडियो इसी तरीके से देता रहूँगा, मुझे कुछ फ़ायदा हो या ना हो मैं आपकी सेवा इसी तरीके से करता रहूँगा। केवल आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और वीडियो पर कमेंट छोड़ना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आने वाले पेपर की वीडियो आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, मैं आपको उसी तरीके की वीडियो बना कर दूंगा। और हो सकता है मैं कुछ अभी सुबह को थ्योरी से पेपर बना कर दूं, क्योंकि मैं आज वीडियो बनाई है, थोड़ा नींद सी भी आ रही है इस टाइम, क्योंकि रात के 11 प्लस बज गए, यानी 11 से ज़्यादा बज गए जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 85 तरफ चलते हैं। लोक सेवा में कार्मिकों के दृष्टिकोणों एवं मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रशिक्षण आवश्यक है। 85 का ऑप्शन सी, प्रशिक्षण। 86, भारत में नागरिक सेवा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? भारत में नागरिक सेवा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो 86 का ऑप्शन बी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्मिकों की परिवीक्षा प्रोबेशन की संपूर्ण अवधि कितने माह की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 माह की होती है। 88, भारत में अधिकारी तंत्र की विशेषता है? तो भारत में अधिकारी तंत्र की विशेषता ये सभी कौन कौन सी?
भ्रष्टाचार, लाल पीतशाही और प्रशासन का राजनीतिकरण भारत में अधिकारी तंत्र की विशेषता है, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, पदोन्नति का सार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कार्यभार एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन। पदोन्नति का सार क्या है? कार्यभार एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन, ये पदोन्नति का सार है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रशासन की विशेषता नहीं है? तो भारतीय प्रशासन की विशेषता पद पुरस्कार प्रणाली, यह विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1964 में की गई। 91 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1964 में की गई। 92, संधानम कमेटी किससे संबंधित है? तो संधानम कमेटी प्रशासन में भ्रष्टाचार से संबंधित है। संधानम कमेटी प्रशासन में भ्रष्टाचार से संबंधित है। 93, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ। तो 93 का ऑप्शन भी 1966। क्वेश्चन नंबर 94, पॉल एच एफ लवी प्रतिवेदन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रशासनिक सुधार। पॉल एच एफ लवी प्रतिवेदन संबंधित है प्रशासनिक सुधार से। 95, O&M की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो O&M की स्थापना 1964 में की गई। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का गठन होता है? तो 263 के अंतर्गत होता है। किसके 263 के अंतर्गत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का गठन होता है। 97, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। 97 का ऑप्शन डी 315 है। क्वेश्चन नंबर 98, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों के लिए 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो 98 का 6 यानी ऑप्शन डी 6 वर्ष। 99, लोकसभा का अभिरक्षक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक स्पीकर को माना जाता है। तो 99 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 100, विकासशील देशों में आर्थिक व सामाजिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? विकासशील देशों में आर्थिक व सामाजिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है लोक प्रशासन। क्या? लोक प्रशासन विकासशील देशों में आर्थिक व सामाजिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है लोक प्रशासन। तो ये थे इस वीडियो का 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन है ये। मेरा मानना है कि आप इस वीडियो को करीब 2 से 3 बार देख लो। परीक्षा में आपको इस वीडियो से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, लेकिन 10 से 15 की पूर्ण संभावना है। आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं और जो हमने टॉपिक करा दिए आप उनको संपूर्ण देख लो और आप एक अच्छे नंबर ले आओगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर जाएं, अच्छा सा कमेंट करें। और दूसरी बात, अगले पेपर में क्या परिवर्तन करना है उसे भी कमेंट करें, मैं उसे परिवर्तन करके आपको जरूर दूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, मैं आपको जिस तरीके की आपको वीडियो चाहिए मैं उसी तरीके की वीडियो बना कर दूंगा। तो चलिए यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनका भी इससे फायदा हो जाए। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद साथियों।